नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल हेल्थ टिप्स ज्ञान पर। दोस्तों, आज ये वीडियो उन लड़के तथा उन लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है जिनके होंठ काले हैं, और इस वीडियो में आज हम आपको होठों के कालेपन को दूर करने के 10 ऐसे बेहतरीन घरेलू उपायों के बारे में बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप लोग अपने होठों के कालेपन को आसानी से दूर कर सकते हैं और अपने होठों को गुलाबी बना सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटे के बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, ग्लिसरीन। रुई के सहारे ग्लिसरीन को रात को सोने से पहले अपने होठों पर लगाएं। लगाने के बाद इसे रात भर ऐसे ही छोड़ दें और अगली सुबह इसे धो लें। ऐसा हर रोज करने से आपको इसका असर दिखने लग जाएगा। पहले ही दिन से आप इसका असर आसानी से देख पाएंगे। आपके होठ काले से गोरे होने लग जाएंगे, यानी कि गुलाबी होने लग जाएंगे। नंबर दो, नींबू और शहद। नींबू के रस में शहद मिलाकर उसे अच्छे से मिला लें। मिश्रण बनाने के बाद इसे होठों पर लगाएं और एक घंटे तक लगे रहने दें। फिर एक घंटे बाद मुलायम कपड़े या गीले कपड़े से इसे पोंछ लें। ऐसा करने से भी आपके होठों का कालापन दूर हो जाएगा और आपके होंठ धीरे धीरे गुलाबी होने लग जाएंगे। नंबर तीन, चुकंदर। चुकंदर के एक टुकड़े को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखें और जब वह ठंडा हो जाए तो उसे निकालकर अपने होठों पर कम से कम 20 मिनट के लिए उससे मालिश करें। 20 मिनट बाद अपने होठों को धो लें। ऐसा करने से आपको पहले ही 2 मिनट में इसका असर दिखने लग जाएगा। नंबर चार, खीरा। आधे खीरे का जूस निकालकर उसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। जब वह ठंडा हो जाए तो उसे रुई की मदद से अपने होठों पर लगाएं। उस रस को 20 से 30 मिनट के लिए ऐसे ही लगा रहने दें, फिर उसे पानी से धो लें। ऐसा करने से भी होठों के कालेपन से आपको आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। नंबर पाँच, होठों के कालेपन को दूर करने के लिए आप नारियल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल के तेल को अपने होठों पर लगाएं और 15 से 20 मिनट तक इससे ऐसे ही लगा रहने दें, फिर इसे अपने पानी से धो लें। ऐसा करने से भी आपके होठ धीरे धीरे गुलाबी होने लग जाएंगे। इसे आप दिन भर में कितनी भी बार कर सकते हैं। नंबर छः, गुलाब जल। रात को सोने से पहले रुई को गुलाब में भिगोकर अपने होठों पर लगाएं। गुलाबी होठों को पाने की चाहत रखने वाले लोग इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। रात को सोने से पहले अगर आप लोग अपने होठों पर गुलाब जल लगाते हैं तो इसका असर बहुत जल्दी होता है और बहुत अच्छा असर होता है। इसका असर आप अगले दिन बहुत ही आसानी से देख पाएंगे। नंबर सात, बादाम का तेल। 1 या 2 बूंद बादाम का तेल अपनी उंगली पर फिर 1-2 मिनट तक मसाज करके इसे रात भर होठों पर लगा रहने दें और फिर अगली सुबह इसे छुटा लें, पानी से धो लें। ऐसा करने से भी होठों के कालेपन से आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। नंबर आठ, एलोवेरा। होठों पर एलोवेरा जेल लगाएं और उसे सूखने दें, फिर कुछ देर के बाद गुनगुने पानी से इसे धो लें। इसका इस्तेमाल रोजाना एक बार जरूर करें। ऐसा करने से आपके होठों के कालेपन से छुटकारा बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। नंबर नौ, सेब का सिरका। सेब के सिरके को पानी में मिलाएं, अब रुई की मदद से अपने होठों पर लगाएं और उसे सूखने दें। इसके बाद 10 से 12 मिनट के बाद अपने होठों को गुनगुने पानी से धो लें। ऐसा करने से भी आपके होठ गुलाबी दिखने लगेंगे। यह एक बहुत ही कारगर और ज़बरदस्त उपाय है। आप इसे हर रोज़ एक बार ज़रूर करें। नंबर 10, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका पेस्ट तैयार करें। अब इस पेस्ट से अपने होठों पर उंगली के ज़रिए 3 मिनट तक स्क्रब करें और उसे अच्छे से धो लें। फिर होठों को सुखाकर लिप बाम, जैतून का तेल या नारियल का तेल लगा लें। आप इस स्क्रब को हर दूसरे दिन कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके होठों के कालेपन से आपको जल्दी छुटकारा मिल जाएगा और आपके होठ गुलाबी दिखने लग जाएंगे, जिससे आपकी सुंदरता बहुत ही अच्छी लगेगी। दोस्तों, ये 10 ऐसे बेहतरीन उपाय हैं जिनको अपनाकर आप अपने कालेपन के, यानी कि होठों के कालेपन की समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। ये उपाय बहुत ही असरदार उपाय हैं और ये सभी उपाय अजमाए जा चुके हैं, जिस वजह से हमने आपको इन उपायों के बारे में बताया है। अगर आपको ये उपाय थोड़े से भी पसंद आए हों तो इन्हें ज़रूर लाइक और शेयर करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें ताकि हमें आपको अच्छी अच्छी वीडियो देने के लिए मोटिवेशन मिल सके। और हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमें आपके सपोर्ट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट करें।